नमस्कार, मैं ममता जवेरी, इंडिया लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। डालते हैं नजर आज की एक विशेष समाचार पर। भाजपा के नेताओं ने कहा, मोदी जी का नोटबंदी का फैसला लोगों के हित में ही है। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का निर्णय लिया था। कालाधन और भ्रष्टाचार को लगाम देने के लिए नरेंद्र मोदी ने यह कदम उठाया था, पर कांग्रेस के लोगों ने इस निर्णय का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय गरीबों के लिए बहुत ही गलत है। वहीं बीजेपी के नेताओं का यह कहना है कि मोदी का यह निर्णय लोगों के हित में है। सिर्फ 50 दिनों के लिए लोगों को कुछ कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा, पर 50 दिन के बाद पूरे देश में शांति होगी। अभी कुछ ही दिनों में मोदी का फैसला आने वाला है। आरोप प्रत्यारोप होते हुए भाजपा कांग्रेस में जो आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, हर पार्टी अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने मुद्दे को मान रही है, और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप से अपना जो आम नागरिक है उसको काफ़ी त्रस्त और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, लोग न्याय की गुहार लगा रहे, और ऐसे में आज हमारे साथ जिला अध्यक्ष अनिल ठाकुर जी, आइए हम उनसे जानते हैं और उनसे बात करते हैं कि क्या कहना है उनका और किस तरीके से लोगों को आने वाले दिनों में राहत मिलेगी। जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो वादे किए, अभी 4 दिन बचे हुए, क्या आने वाला है उनका फैसला, लोगों की आंखें उसकी तरफ लगी हुई है। आइए हम सीधा उनसे बात करते हैं। अनिल जी, क्या कहना चाहेंगे, अभी 4 दिन बचे हैं, जिस तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो वादे किए थे नोटबंदी को लेकर कि काला धन वापस आएगा, क्या लगता है 4 दिन के बाद कैसा होगा फैसला, किसके हित में होगा, अमीरों के या गरीबों के, क्या लगता है? अभी आप गत 50 दिन हमारे मुख्य प्रधान जी ने मांगे थे, उसमें से करीब करीब 45 दिन पूरे हुए। जिस दिन ये नोटबंदी हुई 8 तारीख रात को, तब से आज तक का जो आप परिणाम देखेंगे उसमें आप देख सकते हैं कि बैंकों में बड़ी लाइन लगी थी। हम लोग ने भी सहयोग किया, बैंकर्स ने भी सहयोग किया, कुछ हद तक थोड़ी परेशानी सबको झेलनी पड़ी, वो तो स्वाभाविक थी, क्योंकि इतने बड़े प्रमाण में नोट्स की अदला बदली करना वो एक व्यवस्था का भाग है, और इतने सारे ट्रांसपोर्टेशन करना, उसको करेंसी पहुंचाना अलग अलग जगह पे, उसकी व्यवस्था करना, ये थोड़ा स्वाभाविक एक परेशानी की बात होने वाली है। और वो तो पंतप्रधान जी ने खुद बोल दिया था कि मुझे आप थोड़ी परेशानी झेलो, कि आपको जो चाहिए वो मैं रिजल्ट दिलाऊँगा। और मुझे लगता है कि आज पंतप्रधान मोदी जी 50 दिन के बाद जो आपको परिणाम मिलेंगे, वो परिणाम आज तक किसी भी पंतप्रधान ने दिए नहीं होंगे, ऐसे परिणाम आपको देखने मिलेंगे। और आम जनता आज भी खुश है और इसके आगे भी बहुत खुश होगी। ठाकुर जी, क्या कहना चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी का ये भी कहना है कि अच्छे दिन की जो उन्होंने कहा था, अच्छे दिन आएंगे और लोगों के खाते में 15 लाख आएंगे, 3 लाख आएंगे, ऐसा मोदी जी का कहना था, लेकिन ये सब वादे झूठे हैं, ऐसा उनका कहना है, क्या लगता है, वाकई में झूठे हैं या वाकई में सच होने वाले? देखो, सबको मालूम है कि 15 लाख कोई भी किसी के खाते में इस वर्ल्ड में भी नहीं डाल सकता है। तो ये तो बातें कहने की है, भटकाने की है। पंतप्रधान जी ने जो कहा था उसको खास करके अगर उसको मॉनिटरिंग रूप में देखा जाए, तो इस बार जो परिणाम निकल के आ रहे हैं या आम जनता के लिए जो काम मोदी जी कर रहे हैं, उसके एक एक परिणाम को अगर आप कंट्रीब्यूट करते जाए, तो 15 लाख से भी ज़्यादा मुनाफा इस कॉमन आदमी को मिलने वाला है, ये मेरी हमारी मान्यता है। उसमें एक ही बात है कि आज डिमॉनिटरिंग हो रहा है, उसके बाद में जो पैसे ब्लैक मनी जो आउट होने वाला है, बाहर जाने वाला है, उससे जीडीपी का जो ग्रोथ होने वाला है, उसमें डिमॉनिटरिंग की वजह से जो बाकी लोगों की जो परेशानियां थी, जो हवाला वाले चल रहे थे, जो बाकी टेररिस्ट उसका यूज़ कर रहे थे, जो उसका ब्लैक मनी, ये जो ड्रगिस्ट यूज़ कर रहे थे, पंजाब में सबसे बड़ा विषय आज का मुद्दा हो चुका है कि ड्रग, ये ड्रग कहाँ से होता है, ये ब्लैक मनी से ही शुरू होता है। और ऐसे सारे छोटे छोटे मुद्दे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ये ब्लैक मनी की वजह से हो रहे हैं। और आज सारे लोग हड़बड़ा गए हैं, क्योंकि उनकी ब्लैक मनी धरे के धरे रह गई है, और जिनके पास सफ़ेद पैसा है, वाइट मनी है, जिन्होंने अपना कमाया हुआ है, उनको कुछ भी दिक्कत नहीं है। एक भी नागरिक उसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा है, मीडिया वाले ढूंढ रहे हैं ऐसे नागरिकों को, कुछ विषय लेके आ रहे हैं, लेकिन उसमें भी दम नहीं है। और आम जनता बहुत खुश है और इससे परिणाम भी बहुत अच्छे निकल के आएंगे।
देखा जाए तो अभी भी लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से स्विच बैंक में अभी भी पैसा है वो काला धन बाहर नहीं आया है, लोगों में ये भी है कि कहना कि अमीरों के पास जो अभी भी काला धन पड़ा है कहीं ना कहीं वही बैंकों के साथ उनकी मिली भगत है, वही नोट बदली करते हैं और पीछे के दरवाजे से वही जो बैंक के मैनेजर होते हैं उनके साथ कोई ना कोई मिली भगत होने के कारण ये काला धन अभी भी बाहर नहीं आ रहा है, अभी भी लोगों को उस परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है, जितना काला धन बाहर आना चाहिए था नहीं आया है, क्या कहना चाहेंगे? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का मुंबई का भाषण जिसने भी सुना होगा, उन्होंने भाषण में स्पष्ट रूप से कहा था कि हम चाहते हैं कि ये सारे पैसे बैंक तक पहुँचे। बैंक तक जब पहुँचते हैं तभी उनकी शुरुआत हो जाती है। और आपने देखा होगा जिस जिसने मस्ती की है, जिसने बैंकर्स ने मस्ती की है काला धन वाइट करने की, आउट एंड आउट ऑफ द रिकॉर्ड, ऐसे लोगों पे ऊपर जो हमारा या तुम्हारा है न देखते हुए जो भी है उसको पकड़ा जा रहा है। हजारों करोड़ में ये काला धन रिकवर कर रहे हैं, वो भले नए नोट में हो या जुने नोट में हो, ये काला धन ही है। और उसको रिकवर करने में इतनी सक्षमता हमारे पंतप्रधान जी ने दिखाई है कि उसकी पूरी प्लानिंग थी और प्लानिंग की खबर किसी को भी नहीं थी। आज भी 30 तारीख तक वेट करिए और भी काला धन वापस आने वाला है। अभी रही स्विस बैंक की बात, स्विस बैंक के आज की तारीख से नहीं चल रहा है, ये तो नेहरू जी के ज़माने से स्विस बैंक का अकाउंट चलते रहा है। वो स्विस बैंक के अकाउंट में कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज है, उसमें कुछ कोर्ट्स के आदेश है। अभी उसने अगर हमारे पास हजारों लोगों के नाम भेज दिए तो सबको तो बेड़ी नहीं डाल सकते, उसमें भी हमको छानबीन करनी पड़ेगी कि सच में उसमें कौन झूठा है कौन सच है, किसने डिक्लेयर किया है किसने नहीं डिक्लेयर किया है। तो इसकी प्रक्रिया अभी चल रही है और उसका जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन वो धन भी वापस आएगा और उनको सजा भी मिलने वाली है, ये तो साफ है। 50 दिन पूरे होने वाले हैं, क्या लगता है लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी? 100% राहत मिलेगी लोगों को, इससे भी ज़्यादा जो अपेक्षा कर रहे हैं लोग उससे भी ज़्यादा राहत मिलने वाली है। डिमोनेटाइजेशन का जो अनेक अलग अलग विषय है, जो जनधन योजना चली, अभी जो प्लास्टिक मनी की बात चल रही है, कैशलेस इकोनॉमी की बात चल रही है, इसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आज की तारीख में आप अगर मार्केट में सर्वे करते हो तो ऐसे अच्छे अच्छे निर्णय हमारे मंत्रप्रधान जी ने किए हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। आज मैं भाजी मार्केट में जाकर आया, भाजी मार्केट में जो आम भाजी 40 रुपये या 50 रुपये में बिकती थी वो आज 25 रुपये और 20 रुपये में बिकने लगी है। इसका अगर किसी ने एक ये अंदाज़ा लिया कि जो APMC मार्केट्स की बंदी हो गई, APMC मार्केट से डायरेक्ट मार्केट में माल आना शुरू हो गया, उसके परिणाम आज दिखने लगे। ये निर्णय तो 6 महीने पहले हुआ लेकिन उसके परिणाम दिखने में टाइम लगेगा। ऐसे ही ये डिमोनेटाइजेशन का और नोटबंदी का जो विषय है इसके परिणाम आपको आने वाले 5-6 महीने में दिखने लगेंगे और जनता खुश है, जनता को भड़काने की कोशिश की जा रही है लेकिन जनता का बहकाव में नहीं आएगी। आप निश्चिंत रहिए, पूरी जनता मोदी जी के साथ है। आज भी आप अगर सर्वे करेंगे तो मोदी जी के साथ में 99% जनता है। जो उनके पास ब्लैक मनी है ऐसे 1-2% लोग या 5% लोग होंगे जिन्होंने ब्लैक मनी अपने घर में रखा है, वो नाराज है, वो प्रयास कर रहे हैं मोदी जी का नाम खराब करने के लिए, लेकिन जनता जनार्दन उनका सुनेगी नहीं और मोदी जी अपना ये जो कार्यक्रम है आगे चलते रहेगा। और ये एक पहला स्टेप है, इसके आगे भी चलकर डिमोनेटाइजेशन एक तो पहली स्टेप है लेकिन उसके आगे भी चलकर ब्लैक मनी निकालने के लिए और भी रास्ते ढूंढे जाएंगे, और भी परेशानी लोगों को जब होगी तो ब्लैक मनी का धंधा बंद कर देंगे। और इससे एक तो साफ है कि आने वाले दिनों में ऐसा कोई भी पंतप्रधान नहीं था कि जिन्होंने ऐसे डिसीजंस लिए हैं और ऐसे तरीके से उन्होंने एक पॉलिटिकल डिसीजन लेना एक अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। आज तक जितने भी निर्णय हिंदुस्तान में होते थे वो पॉलिटिकल निर्णय सामने रख के होते थे, मेरे वोटों का क्या होगा, मेरे कुर्सी का क्या होगा, लेकिन ये एकमेव पंतप्रधान ऐसा है कि जो मेरे कुर्सी का चिंता करता नहीं है, मेरी वोटों की चिंता करती नहीं है और इसमें ये बढ़ चढ़ कर अभी अपने हिस्से कर रहे हैं। और मुझे लगता है पंतप्रधान मोदी जी ने जो स्टेप लिया है वो आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही बड़े पैमाने पर आगे लेके जाएगा। अनुशक्ति विधानसभा के
अध्यक्ष पंकज सुराना जी आज हमारे साथ है। आइए हम बातचीत करते हैं कि आने वाले चुनावी दौर अभी काफ़ी नज़दीक आ चुका है, लोगों में नोटबंदी को लेकर काफ़ी नाराज़गी भी है और नोटबंदी की वजह से काफ़ी लोगों की जाने जा चुकी है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। आइए हम उनसे जानते हैं कि क्या है उनको जो कांग्रेस पार्टी आरोप कर रही है, जनता आरोप कर रही है, कितना सच है, आइए हम उनसे जानते हैं। पंकज जी क्या कहना चाहेंगे, काफ़ी लोगों का ये कहना है कि नोटबंदी की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और अभी भी काला धन बाहर नहीं आया, जितना से आना चाहिए था अभी भी काला धन वैसे ही पड़ा है अमीरों के पास, ऐसा लोगों का कहना है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि कांग्रेस की नीति और नीयत दोनों साफ नहीं है। जिस कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान पे लगभग 60-65 साल राज किया, राज करने के बाद भी आज वे लोगों के पास क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं? मोदी जी ने सिर्फ 2.5 साल और अटल जी ने 5.5 साल, ऐसे 7.5 साल देश में गैर कांग्रेसी सरकार थी और मोदी जी के नाम पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना ये कांग्रेस की क्षमता भी नहीं है ना उनकी औकात है। आप देखिए कि जब से मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने तब से हिंदुस्तान का डंका विश्व में बज रहा है। नोटबंदी ये गरीबों के लिए उठाया हुआ कदम है, संविधान ने भी हमें मान्यता दी है कि हर एक 10 साल बाद नोटबंदी होनी चाहिए जिससे करप्शन काला धन ये कहीं ना कहीं इस पर लगाम लगे। तो 40-45 साल होने के बाद भी कांग्रेस ये निर्णय नहीं कर पाई क्योंकि उनके पास निर्णय क्षमता नहीं है। मोदी जी ने एक 56 इंच का जो सीना मोदी जी के बारे में हिंदुस्तान ने विश्व कहता है वो उन्होंने करके दिखाया और 50 दिन का टाइम मोदी जी ने लिया है। आप देखिए अभी बैंकों में, जैसे मैं कल खुद मेरे बैंक में गया था और जो बैंक पहले 2000 दे रही थी वो बैंक ने कल मुझे 24000 रुपये दिए और बैंकों में जो लाइनें थी वो सब समाप्त हो गई है और 50 दिन खत्म होते होते हिंदुस्तान का वातावरण एकदम सामान्य हो जाएगा और जो गरीब लोग हैं उनके 50 दिन बाद, जैसे मोदी जी ने कल BKC की सभा में कहा कि उनके 50 दिन बाद उनके अच्छे दिन की शुरुआत होगी और जो काला पैसा जिनकी जेबों में है, जिनके खातों में है, उनके बुरे दिन की शुरुआत होने वाली। इसलिए कांग्रेस की जो नीति और नियत वो दोनों साफ नहीं है। कहा ये भी जा रहा है कि जिस तरीके से अभी 4 दिन बचे हैं मोदी जी का निर्णय आने वाला है, लोग आक्रोशित से इंतजार में हैं कि क्या आएगा निर्णय और किस तरीके का होगा, गरीबों के हित में होगा या अमीरों के हित में होगा, क्या कहना चाहिए? नहीं नहीं, मोदी जी का काम ही और भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत गरीबों के लिए ही है। हम देश को नए सिरे से मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों के लिए हम शुरुआत मोदी जी ने की है और हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता नीचे तक गरीबों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ही काम करता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये कोई राजनीतिक, जरूर हम राजनीतिक दल है मगर 100% हम राजनीति नहीं करते, समाज सेवा ये हमारा प्रथम लक्ष्य है और हमारी पार्टी का ही नारा है कि पहले देश फिर पार्टी और बाद में खुद। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में कांग्रेस ने कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करे ऐसी कांग्रेस की औकात भी नहीं। क्या कहना चाहिए आप भी कि कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि जिस तरीके से आम जनता कहती है कि मोदी जी की लहर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि ये पूरा झूठ है, कांग्रेस पार्टी का बीजेपी का कोई भी ऐसे वातावरण नहीं है, लेकिन इस बार भी हमारा ही कांग्रेस पार्टी चुनकर आएगा, ऐसा उनका कहना है, क्या लगता है? देखिए पूरे देश में मोदी जी का डंका बज रहा है, पूरे गरीब लोग ईमानदार लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, जो बेईमान है जो भ्रष्टाचारी है उनको तकलीफ है। गरीब लोगों के लिए सारी योजनाएं मोदी जी ने शुरू की है, आप गैस से लेके गैस की सब्सिडी से लेके पूरी निवास योजना, ये योजना, मुद्रा योजना, सारी योजनाएं गरीबों के लिए है। मोदी जी का समाज कारण है, राजकारण नहीं है पूरा। अरे कांग्रेस ने तो गरीबी हटाओ का नारा दिया तो गरीबों को हटा दिया था और इसने तो गरीबों को ऊंचा कर दिया, जीने का सहारा मोदी बन गए। आज आज मोदी जी की लहर है, आप BKC की सभा देखिए तो पूरी लाट थी लाट, पूरे देश में मोदी जी का डंका बज रहा है और आने वाले समय में नगर पालिका में भी मोदी मोदी होगा और भाजपा का झंडा लहराएगा, भाजपा का महापौर बनेगा। अब ये फैसला अमीरों के हित में होगा या गरीबों के, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुंबई से स्टीवन जॉन की रिपोर्ट, सुचिता कामरे, इंडिया लाइव न्यूज, मुंबई। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ ताज़ा खबरों के साथ। ज़्यादा खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन भी कर सकते हैं www.indialivenews.co.in पर, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं indialivenewschannel@gmail.com पर। नमस्ते।